मम्मी हाँ मेरी विटामिन की गोली कहाँ है? नहीं कहीं रखी होगी, देख। अटला बता दागीना छे, अगर मैं एक ले लूंगी तो राशि को कवर थोड़ी पड़ेगी। इस दागीने पर मेरा भी तो हक बनता है, आखिर मैं भी तो नानी बनने वाली हूँ। मिल गई। अच्छा दिख रहा, तो अब मैं भी चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, अच्छे से आराम करना और सो जा अभी। चलो मैं भी चेंज कर लेती हूँ पहले। को छोड़ने जिगर जी कब के गए, अभी तक नहीं लौटे। अरे वाह, अटलो मोटो हार, ये किसने दिया? गोपी ने। वाह, अगर तुझे इतना बड़ा हार दिया है तो उसके पास ऐसे कितने होंगे? मम्मी जरा सोचो तो, हम यही तो सब चाहते थे, ढेर सारी साड़ियाँ, बहुत सारा सोना और प्रॉपर्टी। देखिए सब कुछ मिल गया। बाने तो कमाल कर दिया। हाँ दिख रहा। अरे वाह, दिख रहा, आओ राखी लो। मम्मी हमारे से मेरा मतलब था कि मैं चाहती हूँ। तो क्या तू मुझे एक चूड़ी नहीं दे सकती? मम्मी प्लीज, देखो अगर गागी ने पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगी? अभी नहीं, बाद में कभी। गोपी बहू तुम, मैं बस तुमसे कहने ही वाली थी कि मेरे लिए कप चाय लेकर आ, और तुम लेकर आई बिना कहे। माँ जी वो किंजल बहन। हाँ वो जल्दी चली गई, उसे थकान लग रही थी, घर जाएगी आराम करेगी तो अच्छा महसूस होगा। अच्छा हुआ कि धवल जी भी उसके साथ चले गए। सच कहूं गोपी बहू तो कृष्ण भगवान की असीम कृपा है कि हमें धवल जी जैसे दामाद मिले। मेरी किंजल बहुत नसीब वाली है, धवल जी जैसे नेक इंसान पति के रूप में मिले हैं। क्या हुआ गोपी वो, तुम रो क्यों रही हो? धवल भाई और किंजल बेन तलाक ले रहे। क्या से मम्मी, देखिए ना आज के दिन का तो मैं इंतजार 7 महीनों से कर रही थी, लेकिन पता ही नहीं चला कब आया और कब चला गया। फिकर मत कर दिख रहा, जब तेरा जापा होगा ना तो तुझे और तोहफे मिलेंगे। हाँ, वो तो है। मम्मी, हाँ? मेरी विटामिन की गोली कहाँ है? नहीं कहीं रखी होगी, देख। ना छे, अगर मैं एक ले लूंगी तो राशि को कवर थोड़ी पड़ेगी। इस दागीने पर मेरा भी तो हक बनता है, आखिर मैं भी तो नानी बनने वाली हूँ। मिल गई। अच्छा दिख रहा, तो अब मैं भी चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, अच्छे से आराम करना और सो जा अभी। हाँ?
मैं भी चेंज कर लेती हूँ पहले। कृष्ण भगवान, लेकिन किंजल ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद वो बताना चाहती थी, लेकिन लेकिन उन्हें लगा होगा कि गोद भराई के दिन बताना ठीक नहीं होगा। उर्मिला बहन, वो तो बड़ी है ना, उन्हें सब कुछ पता होगा, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैं अभी उर्मिला बहन से बात करूंगी। राशि, उर्मिला बहन कहाँ है? मम्मी तो चली गई। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे उर्मिला बहन से अभी की अभी बात करनी होगी। अरे वाह, कितनी सुंदर मंगड़ी छे। जो भी दिखेगा आंखें फटी की फटी रह जाएगी। विवान जी, तुम्हें? उर्मिला बहन, आप ये सब कैसे कर सकती है? कि क्या? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है, यदि मैं आपसे बात नहीं करती तो मेरी आप पर नजर नहीं है? हर वक्त मेरी नजर आप पर रहती है। कब तक आप छिपाती रहती ये बात मुझसे? सच को तो एक न एक दिन सामने आना ही था ना। इनको कैसे खबर पड़ी कि मैंने बंगड़ी चोरी की है? कावड़ी सब भांप लेती है। विवान जी, मुझे लगा कि थोड़े दिवस में। कितने दिनों से चल रहा है ये सब, बताइए। किंजल और धवल जी ने कब तय किया कि वो दोनों तलाक चाहते हैं एक दूसरे से? तीन महीने पहले। विवान जी, वो तो बन्ने ने बीच में मेल करावानों कोशिश करती थी। 3 महीनों से? और आपने आज तक मुझे बताने का कष्ट भी नहीं उठाया? क्यों उर्मिला बहन, यदि आप मुझसे एक बार भी कहती ना, तो मैं उन दोनों की तलाक तक नौबत आने ही नहीं देती। मुझे लगा कि ये लोग विचार बदल देंगे। पर ये सब हुआ कैसे? मुझे तो लगा कि किंजल और धवल जी के बीच सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, वो तो फाल्गुनी के कारण। फाल्गुनी? सुनिए, ये उर्मिला बहन शाह कहाँ रहती हैं? किंजल फाल्गुनी से नफरत करती थी और एक दिवस तो किंजल ने थप्पड़ भी मार दिया। किंजल ने फाल्गुनी जी को थप्पड़ मारा? अब जाहिर सी बात है, धवल जी को तो बुरा ही लगा होगा। और फिर धवल जी जैसे नेक इंसान पर किंजल का शक करना, ये किंजल भी ना। उर्मिला बहन, लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगी, वो तो बच्चे हैं पर घर की बड़ी आप हैं। घर को संभालना आपकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी निभाने में आप असफल रही। मैं क्या करती विवान जी? अने एक बात तो ऊपर जरूर बोलीश कि आप भी अपने घर की कर्ता धरता है, आप भी अपने घर के सारे निर्णय लेती है, फिर भी आपके बेटे और बहू के बीच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्या? और इतना ही नहीं, आपके बेटे और बहू के साथ आपके भी तो कितने झगड़े हुए है ना? तो फिर आप में और मुझ में ज्यादा फर्क कहाँ? अच्छी बात तो ये छे कि अगर मैं अपना घर संभालने में फेल हुई तो तमे पण,
और किंजल को तो आप जानती हैं, वो तो किसी की बात सुनती ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझ में ही कमियां निकालने बैठ जाए। बस उर्मिला बहन, ये समय दोषारोपण का नहीं है। हमारे बच्चे तलाक लेने पर आतुर है। मुझे अभी के अभी किंजल और धवल जी से बात करनी होगी। बुलाइए उन दोनों को। बन्ने घर माना थी, धवल ऑफिस गयो छे, किंजल मार्केट। मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकली? मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरे पूरे परिवार को चीट किया। एक मिनट, आप तो उर्मिला बहन की कनाडा वाली रिश्तेदार है ना? वो विमान जी रिश्तेदार? रिश्ता तो ये करने आई थी हमारे साथ, वो भी इतना बड़ा झूठ बोलकर। किबिन, ये आप क्या कह रही हैं? आपने हमसे कहा कि आपका बेटा धवल अनमैरिड है, जबकि ही इज अ मैरिड मैन। क्या? हाउ कुड यू डू दिस? इन्होंने अपने बेटे धवल का प्रोफाइल शादी के वेबसाइट में अपलोड किया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि इन्हें अपने बेटे धवल के लिए एक NRI लड़की चाहिए। इनका एडवर्टाइजमेंट देखकर हमने इन्हें कॉल किया, फिर इन्होंने हमें मोदी भवन में मिलने को बुलाया। इतना बड़ा मोदी भवन, यह कहकर बोला कि यह उनका खुद का है। हमसे झूठ पर झूठ बोलते रहे। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते हमें सारी सच्चाई पता चल गई, वरना इन्होंने हमें बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उर्मिला बहन, केत की बहन जो भी कुछ कह रही, क्या सच है? मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का नाम खराब नहीं करना चाहती, वो भी तुम्हारी वजह से। अच्छा, तो तेरी बेटी भी कोई सती सावित्री नहीं है? हाँ, उसका भी तो बॉयफ्रेंड है कनाडा में। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में एक भी लफ्ज कहा, वरना जेल की ऐसी चक्की पिसवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।